तो नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आप लोग कैसे अपने ज़मीन का रसीद आप लोग काट पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपना जो दोस्तों भूमि विहार आप लोग को सर्च करना है। दोस्तों मैं वीडियो को दोस्तों बहुत ही फास्ट में बना रहा हूँ, भूमि विहार, लेकिन दोस्तों वीडियो फिर भी दोस्तों वीडियो पर थोड़ा दोस्तों लंबा दोस्तों पर हो ही जाएगी। चलिए गाइस, यहाँ पे देखिए दोस्तों भूमि विहार मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। भूमि विहार टाइप करने के बाद देखिए दोस्तों मिलेगा भूमि विहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना और मोबाइल से दोस्तों आप लोग अपना रसीद काट पाएंगे। कोई लैपटॉप कंप्यूटर पीसी का दोस्तों जरूरत यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है, तो आप लोग को सीधे यहाँ पे आना होगा दोस्तों। देख लीजिए थोड़ा नीचे दोस्तों आप लोग को, और यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए सारा दोस्तों कुछ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों दाखिल खारिज वगैरह ये सारा कुछ, तो आपको सो क्या करेंगे, सो भू लगान पे आप लोग को दोस्तों क्लिक करना है। सो भू लगान पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना, देखिए सो ऑनलाइन दोस्तों भुगतान करे पे दोस्तों आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के यहाँ पर आने के बाद आपको अपना जो दोस्तों जिला है उस जिला को आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। चलिए फाइनली मैं यहाँ पे सहरसा जिला को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिला के बाद आपको यहाँ पे अपना अंचल जो भी है वो अंचल को आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सो अंचल सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो हल्का होता है उस हल्का पहले आगे बढ़े पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना हल्का पे क्लिक करना है। सो हल्का आप लोग का जो भी यहाँ पे पड़ता है उसको आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना। सो चलिए फाइनली मैं पे क्लिक किया हूँ। उसके बाद आप लोग को मौजा जो भी पड़ता है उस मौजा का आप लोग को लेना है। उसके बाद आपको अपना भाग वर्तमान आप लोग को यहाँ पर डाल देना होगा। तो चलिए मैं अपना भाग वर्तमान मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। सो भाग वर्तमान एंटर करने के बाद आप लोग को थोड़ा यहाँ पे दोस्तों वेट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको अपना सुरक्षा कोड जो भी होता है वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा बैक आना होगा। उसके बाद फोन खोजे पे क्लिक करना है। सो खोजे पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे दूसरे का यहाँ पे आ चुका है, मैं फाइनली यहाँ पे किशोर का मैं देता हूँ भाग वर्तमान। उसके बाद आपको फिर सर्च कर पे क्लिक करना है, फिर खोजे पर आप लोग को क्लिक करना, आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको सीधे यहाँ पर नीचे की ओर आना होगा और यहाँ पर आप अपना उसका जो नाम वगैरह है वो सारा कुछ आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए फाइनली मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और यहाँ पर दे देने के बाद आपको थोड़ा पे वेट कीजिएगा, देखने मिलेगा आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना होगा। और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे दोस्तों वेट कीजिएगा, सीधे नीचे की ओर यहाँ पर आना होगा। आई एग्री करके आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करे पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। सो क्लिक कर देने के बाद देखिए एड्रेस रिक्वायर कर रहा है, एड्रेस में चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक, एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस वगैरह आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करे पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपका जो अपना यूज करते हैं पेमेंट मेथड आप वो कर सकते हैं, तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आपको ई पेमेंट मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी बैंक है आप अपना वो बैंक आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी बैंक से आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना होगा। देखिए नेट बैंकिंग आपको इस पर क्लिक कर दीजिए। सो इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो यूजर आई पासवर्ड एंड होता है नेट बैंकिंग का वो आप लोग यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर सीधे नीचे की ओर आना होगा और यहाँ पर आप लोगों को अपना सारा जो जानकारी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर कॉन्फर्म पे ऑल पे आपको क्लिक करना होगा। सो कॉन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी यहाँ पे अपना OTP वो रिसीव आपको होगा यहाँ पर, तो आप लोग थोड़ा पे वेट कीजिए। मेरे फोन पर ही आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर मेरा OTP यहाँ पर रिसीव हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा यहाँ पर वेट कर लीजिए। तो गाइस फाइनली देखिए मैं अपने यहाँ पे OTP एंटर कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए मेरा गाइस OTP यहाँ पे देखिए आया हुआ है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं गाइस कि नीचे मैं अप करता हूँ। देखिए गाइस मेरा OTP यहाँ पर है 52 25 63। देखिए गाइस मैं यहाँ पे दोस्तों अपना OTP करता हूँ 52 25 63। इसके बाद मैं बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्फर्म पे क्लिक करना है। सो कॉन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपका दोस्तों पेमेंट है वो देखिए सो फाइनली यहाँ पे दोस्तों बता रहा है गाइस आप लोग का जो गाइस पेमेंट है योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल यहाँ पे बता दिया है, और आपका जो पेमेंट है वो फाइनली यहाँ पे कट चुका है। तो आप लोग को थोड़ा पे क्या करना है, आप लोग थोड़ा पे वेट कीजिएगा। सो वेट करने के बाद आपका जो यहाँ पे खुद ऑटोमेटिक ही आपको जो रिसिप्ट की ओर आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो आप लोग पहले यहाँ पे थोड़ा मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड का जो यहाँ पे टाइम लेता है, आप लोग यहाँ पे खुद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 60 सेकंड का जो यहाँ पे टाइम ले रहा है। ऑटोमेटिक ये आपको अपने साइट पे जो रिडायरेक्ट आपको कर दिया गया। अगर आपको रिडायरेक्ट नहीं करता तो फिर आप लोग क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं। तो आप लोग मैं चलिए यहाँ पे वेट करता हूँ, मैं 1 मिनट के तक मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। तो वीडियो दोस्तों थोड़ी यहाँ पर लंबी होगी, लेकिन आप लोग को दोस्तों परेशानी नहीं होगा जिस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बताया। तो कैसे आप लोग थोड़ा पहले वेट दोस्तों आप लोग कर लीजिए, देखिए कैसे ये ऑटोमेटिक कैसे दोस्तों आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा दूसरे वेबसाइट पर। तो चलिए हम आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तों ये कब तक हमको जो मतलब दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। तो चलिए हम भी दोस्तों यहाँ पे वेट कर लेते हैं। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे मेरा जो दोस्तों यहाँ पे वो दोस्तों कुछ सेकंड दोस्तों बाकी है दोस्तों, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि खुद दोस्तों ये ऑटोमेटिक देखिए ऑटोमेटिक ये दोस्तों पे रिडायरेक्ट दोस्तों पे कर दिया है। देखिए प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट दोस्तों प्रोसेस में सो डाल दिया। देखिए दोस्तों मेरा फाइनली जो दोस्तों पेमेंट है वो पेमेंट दोस्तों इज सक्सेसफुल आपका हो चुका है। लगन रसीद पर आप लोग को दोस्तों क्लिक करके आप लोग को अपना रसीद को यहाँ पर डाउनलोड करना। चलिए मैं लगन रसीद पर क्लिक कर दिया हूँ, और लगन रसीद पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे सामने देख लीजिए यहाँ पे जो मेरा है वो रसीद, देखिए फाइनली यहाँ पे वो मेरा रसीद यहाँ पे कट चुका है, और आप लोग इस प्रकार से अपना रसीद को आप लोग काट पाएंगे। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से किसी अनदर वीडियो के साथ, और आप लोग यहाँ से प्रिंट भी आप लोग कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बोल सकते हैं।